हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये स्पीकर का कवर बनाने के लिए दिखाने वाली हूँ। ये और दूसरा छोटा वाला है वो दिखा रही हूँ। इसका मेरा बन गया है, इसका मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसा करना है, क्योंकि एक ही स्पीकर है और मैं पहली बार बना रही थी, तो मैंने जस्ट कोशिश की, तो अभी सोचा कि आपसे भी शेयर करूँ। आपको भी बहुत सारे लोगों को बहुत से कवर्स चाहिए होता है, तो मैं कैसे करते हैं वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और छोटे स्पीकर का मैं बना के दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले तो हमने इसका कैसे करना है, यहाँ पे मैं सिर्फ रखने वाली हूँ खोलने के लिए, और बॉटम में कोई कवर नहीं होगा। हम लोग ऊपर से डाल सकते हैं, यानी कि एक ऊपर का फ्रंट का आएगा, बैक का आएगा, टॉप का पोजीशन, मीन्स तीन पीस लगेंगे और दो साइड के, यानी टोटल पांच पीस लगेंगे। तो मैं उस हिसाब से ये नापूंगी कितना है करके। देखिए, ये काउंट में अगर करूँगी तो ये 10 इंच का है, और मेरे पास जो कपड़ा है, देखिए इस टाइप का कपड़ा है, वो कि काफ़ी मोटा है। इसके लिए मैंने, और साइड से रेशे निकलेंगे इसके लिए मैंने मार्जिन अच्छा खासा रखा है इसके लिए। तो यहाँ पे 10 की जगह पे मैंने पीस मेरा 12 इंच का काटा है, और ये जो लंबाई है यहाँ पे मेरे को 11.5 है, तो वो भी मैंने 13.5 इंच की काटी है, और यहाँ पे जो लंबाई लिया है वो भी 11.5 है, तो ये भी मैंने 13.5 इंच के लगभग लिया है। तो ये पीस जो मैंने फ्रंट का काटा है 12x13.5 एक पीस है, और उसके बाद ये जो पीस काटा है 12x13.5 मीन्स तीन पीस मैंने 12x13.5 काटा है, और यहाँ की साइड का जो पीस काटा है 13.5x13.5 मीन्स ये स्क्वायर काटा है दोनों साइड का, और ये दो तीन पीस है जो एक ही साइज के काटे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया है, फ्रंट का पीस लिया है और उसको हमने जिपर लगाया है। वो कैसे लगाया वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये फ्रंट का पीस है, तो फ्रंट का पीस लेके ये मेरा 12x13.5 का पीस है, तो इसमें मैंने जितना लंबाई है उतना ही जिप का लिया है, और ये जिप जैसे कि हम लोग ने सीधे के ऊपर ये उल्टा जिप उल्टा रखते हैं, ये पोर्शन हम लोग नीचे रखते हैं, मतलब सीलिंग के पास ये करेक्ट साइड और जिप का रॉन्ग साइड, जो नॉर्मली हम लोग लगाते हैं वैसे उसको लगा के बाद में इसको टॉप स्टिच कर दिया है। इसके बाजू में हम लोग ने ये साइड पीस लगा दिया है जो 13.5x13.5 मीन्स ये ऐसे पीस लगाना है। ये लगाने के बाद इसको दोनों तरफ से जिप लगाने के बाद इसका दूसरा सिरा जो है साइड बेस को लगेगा, वो भी 13.5 की लंबाई है और इसकी भी 13 लंबाई है, और इसको हम लोग स्टॉप स्टिच कर देते हैं, और जब ये नीचे हम लोग फोल्ड करते हैं तो एच जो है हम लोग अंदर डाल देते हैं ताकि वो खुले नहीं। ये तीन पीस लगाने के बाद हम लोग ये टॉप का पीस लगाते हैं। टॉप के पीस में तीनों साइड से हम लोग कवर कर देते हैं, उसके बाद ये बैक पीस लगा देते हैं, और सबसे आखिर में मैंने वो नीचे का फोल्ड कर दिया है। आपको ये जस्ट मुझे आइडिया देना था कि कैसे करते हैं करके। ये देखिए, दोनों तरफ से देखिए, हम लोग सीधा ऊपर से डाल सकते हैं ये कवर, बस नीचे के साइड में हमको कोई इसको कपड़ा नहीं है, ये ऊपर से डालने के लिए है ताकि धूल ना लगे इसको। ये देखिए, ये पूरा लग गया है। आपको कुछ स्विच वगैरह चेंज ओपन करना है तो आप ये दो तरफ से ओपन कर सकते हैं, ऐसे रख के आपको जो भी ऑपरेट करना है करके, जब तक चाहे आप खुला रख सकते हैं, वरना आप इसको बंद कर सकते हैं ताकि आपकी चीज़ अच्छी रहे। होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी मैं आपको छोटे स्पीकर का बता देती हूँ। देखिए, एक छोटा स्पीकर है, मैं अभी जिप वगैरह नहीं लगाने वाली, इसको जस्ट मैं टॉप से डालने के लिए करने वाली हूँ। तो इसके लिए मेरे पास ये छोटे पीसेस हैं, टुकड़े बचे हुए टुकड़े हैं ये मेरे पास, तो इसी साइज का मैं, क्योंकि ये ज्वाइन करना है मुझे, इसको तीन लगेगा इतना करने के लिए। ये देखिए, ये मेरे पास 6.5 इंच बाय 9.5 है,
लंबाई इतनी नहीं लगेगी मुझे, ये हार्डली 7 इंच है, तो नीचे से फोल्डिंग वगैरह निकल के ये 8 इंच लगेगा। मैं ये इसका 1/4 इंच वगैरह इसका नीचे से काट दूंगी, मतलब ये अराउंड 8.5 इंच में लंबाई लूंगी और 6.5 इंच में ऐसा ही रखूंगी, क्योंकि मुझे ये टोटली तीनों साइड से मुझे कवर करना है। ये 14 इंच है, तीनों की सिलाई वगैरह करते हुए 6.5 है बोलेगा तो सिलाई कर करके वो कम हो जाएगा, और ये मोटा होने की वजह से अंदर की कैपेसिटी अपने आप कम हो जाती है। हमको भले ही हम लोग नॉर्मल कपड़ा अगर लेंगे पतला वाला, तो आप छोटा साइज का लेंगे तब भी वो फिट आ जाएगा, लेकिन जब मोटा कपड़ा होता है तो अंदर की कैपेसिटी अपने आप कम हो जाती है, और इसकी रेशे निकलने की वजह से मुझे सिलाई में मार्जिन मुझे ज्यादा रखना पड़ेगा। अभी हम लोग ये 3 पीस इसको कैसे कवर करेंगे मैं वो आपको दिखा देती हूँ। ये अभी 3 पीस हमें जोड़ना है। नॉर्मल केस में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर या तो ट्रायंगल लेते हैं या तो सर्कल लेते हैं और उसका ये घेरे में हम लोग ये लगा लेते हैं, लेकिन अभी मेरे पास ये पीस ही अच्छा बचा है कस्टमर ने दिया हुआ कि इसी का मुझे करना है, तो उसी हिसाब से मैं कर रही हूँ। आप अपना स्पीकर का वगैरह, स्पीकर या टीवी जिसको भी आप करने वाले हो उसी का मेजरमेंट करके आपको चेंजेस करें। मैं आपको जस्ट आइडिया दे रही हूँ, हर किसी का अपना चीज़ है, उसका हिसाब से वो साइजेस वगैरह चेंज हो जाएंगे, मटेरियल कैसे अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी ये उल्टा रख रहे हैं, सीधा ऐसे रख रही हूँ और ये सीधा इसके ऊपर, यानी कि सिलाई बाहर की देखिए ऐसे हो जाएगा। इसमें पाइपिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसमें सबसे पहले मैं ये साइड ज्वाइन करूँगी, ऊपर का नहीं, पहले सबसे पहले मैं साइड ज्वाइन कर रही हूँ। वो उनका सैंपल का है, इसके लिए एक साइड में उनका ओवरलॉक वगैरह किया हुआ है और एक तरफ हम लोग ने कट करना है क्योंकि वो लंबा है, लेकिन मैं वो बाद में कट करूंगी सिलाई करने के बाद। एक साइड लग गया, दूसरा साइड इसी तरह लगा दूंगी, इसकी ओवरलॉक का साइड जो है मैं ऊपर की ओर ही रख रही हूँ सब जगह, ठीक है। नीचे के साइड में मेरा फोल्ड आने वाला है, ये 2 ज्वाइन कर लिया। अभी ये तीसरा मैं इसी को ज्वाइन कर रही हूं, ताकि ये देखिए ये ऐसे हो गया, ये तीसरा पीस भी मैं ज्वाइन कर रही हूं। अभी हम लोग ये ऐसे एक कहीं पे हम लोग ये फोल्ड करके देखेंगे कितना आता है करके, देखिए ऐसे, ताकि वो मिडिल पोर्शन मार्क हो जाए। ये देखिए इसका मिडिल आ गया, ये फर्स्ट जो मैंने फोल्ड किया है उसका मिडिल आ गया, और वो जहां पे फिक्स होता है वहां का मार्किंग आ गया, देखिए ऐसा। अभी क्या करूंगी मैं, ये पोर्शन जो है यहीं तक मैं सिलाऊंगी, यहाँ पे ये ज्वाइन कर दूंगी, आधे से एंड तक मैं इसको ज्वाइन करती हूँ। मैं दूसरा जो है देखिए ये इस तरह रख रही हूँ, मतलब आधा पोर्शन यहाँ पे ज्वाइन करूंगी, आधा पोर्शन यहाँ ज्वाइन करूंगी, देखिए आधा इसका ये मटेरियल का पीस है, आधा ये मटेरियल का पीस है, वैसे मैं ज्वाइन करती जाऊंगी, बस हम बीच में वो होल ना रहे इसका ध्यान रखेंगे। सबसे आखिर में ये बचा हुआ जो है उसे ज्वाइन करूंगी, इसका ज्वाइनिंग भी यहां तक। तीनों तरफ से ये अच्छे से जुड़ गया है।
अब ये नीचे से जो एक्स्ट्रा लंबाई है, जो एक्स्ट्रा लंबाई है मैंने ऑलरेडी कुछ पीसेस बना लिए हैं, तो उसका मैंने लंबाई काट लिया है, तो उसी हिसाब से मैं इसका भी काट लेती हूँ। हार्डली हाफ इंच हमको काटना है, हाफ से आधे से पौना इंच ही काटना है हमें। ये भी हमको सिलाना है। अभी इसमें मुझे डबल फोल्ड वगैरह मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही मोटा है, इसके लिए मैं इसको ज्यादा फोल्ड करके हाफ में मैं सिलाई करूंगी ताकि रेशे अगर निकले तो यहाँ पे जहां सिलाई है वहां पे रुक जाए वो, क्योंकि इसको डबल फोल्ड में नहीं कर पाऊंगी। डबल फोल्ड अगर करूंगी तो इसकी सिलाई भी नहीं आएगी मेरी मशीन पे। पतला कपड़ा हो तो आप जरूर डबल फोल्ड कीजिएगा। हो गया हमारा, इसको भी हम लोग सीधा करेंगे। तीनों तरफ से कोने जो है ठीक से, अच्छे से ये आगे, क्योंकि या तो मुझे राउंड लेके उसको घेरे में हम लोग जैसे कि पोटली बैग बनाते वैसे बनाना पड़ता, लेकिन मेरे पास वो कपड़ा ही उतना नहीं था, इसके लिए जिस पैटर्न में मुझे कपड़ा मिला मैंने उसी पैटर्न में उसको सिला दिया। तो ये ट्रायंगल में तीन साइड में तीन कलर्स भी आ जाते हैं। वैसे होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काफी लोगों ने मुझे वो या तो एक्वागार्ड का कवर या तो जैसे राशन के डिब्बे का कवर वैसे सब मांगा था, लेकिन मैंने इसके लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप अपना जो भी डब्बा भी होगा, अभी ये डब्बा भी ऐसे ही रेक्टेंगल शेप में या तो ऐसे ही मिस क्यूबिकल में आता है, तो उसी हिसाब से कैसे नाप लेना है मैंने ये आपको बता दिया। तो एक के ऊपर से आप दूसरा भी सिला सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं उसमें सिलाई आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरा वो एक ही सिंगल पीस ही बनना था कस्टमर का। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू।